एक महीने वाला ब्लॉग है, एक बार हमारी ऑडियंस को दिखाए थोड़ा सा। बिल्कुल, अभी मैं अपना एडसेंस रिफ्रेश कर, जो नई वाली साइट है उसकी है, नई वाली साइट है उसकी है। एंड मैं यहाँ पे अभी रिपोर्ट्स में जाके साइट भी दिखा दूंगा कि ये उसी साइट की है। मुझे लगता है कुशल भाई, एक चीज तो लोगों को मतलब ये क्लियर हो गया रहेगा कि ब्लॉगिंग में हमें अब सालों साल नहीं लगाने हैं। बिल्कुल भी नहीं, स्ट्रेटेजिक तरीके से करें जैसे आप कर रहे हो, महीने दिन के अंदर पैसे बनाना शुरू कर सकते। बिल्कुल कर सकते। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है वो है मिस्टर कुशल अरोड़ा, जो है एक प्रो ब्लॉगर, एसईओ एक्सपर्ट, और इनकी उम्र की बात करें तो मात्र 22 साल के हैं भाई साहब, और आज के रेट में 15 से ज़्यादा ब्लॉग चला रहे हैं। ब्लॉग की बात कर रहे हैं, वेबसाइट की बात कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि छोटा मोटा वेबसाइट नहीं, भाई बहुत धमाकेदार, मतलब इतना खतरनाक रिजल्ट लेके आते हैं अपने ब्लॉग पे। कैसे लेके आते हैं वो सारी चीज़ें, वो पूरा सीक्रेट इस वीडियो में हम बताएंगे, मैंने मतलब ये बताएंगे। और एक हाल ही में इन्होंने एक ब्लॉग बनाया था जिसपे एक महीने के अंदर ही इन्होंने रिजल्ट ला के दिखाया, और उस पर 1,00,000 रुपये से ज़्यादा ये बना चुके हैं। ऑलमोस्ट $1,300 अभी ये मंथ खत्म भी नहीं हुआ है, 27 जून को हम शूट कर रहे हैं वीडियो, और एक महीना पुराना ब्लॉग है वो। आपको बिलीव नहीं हो रहा है, पूरा डेटा के साथ, पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ हम इस वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी का दूसरा नाम भाई सतीश की वीडियो, सतीश की वीडियो। तो भाई स्वागत है हमारे चैनल पे एक बार फिर। थैंक यू सो मच। तो मैं चाहूँगा एक छोटा सा इंट्रो दे दो, बाकी मैंने अभी आपके बारे में बता दिया है, तो आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा बता दो अपने बारे में। सो गाइज, मेरा नाम कुशल अरोड़ा है एंड मैं एक कंपनी चलाता हूँ जिसका नाम है कैप डिजिटल। तो इसमें हम सारी मार्केटिंग चीज़ें करते हैं, मतलब क्लाइंट्स के लिए मार्केटिंग करते हैं, खुद के भी हम काफ़ी सारे ब्लॉग्स चलाते हैं, एंड रिसेंटली अभी मैंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए कंटेंट क्रिएशन भी स्टार्ट करा है। तो वैसे भाई के साथ हमने और भी दो वीडियोस करी है, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लेना, बहुत ही धमाकेदार काम इन्होंने किया है पिछले कुछ 4-5 सालों में। तो मैं चाहूँगा एक छोटा सा रिजल्ट दिखाए, जो श्योर एक महीने वाला ब्लॉग है, एक बार हमारी ऑडियंस को दिखाए थोड़ा सा। बिल्कुल, इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग, बिल्कुल मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ, तो पहले इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश। और एक और चीज़ गाइस, वेबसाइट का नाम हम रिवील नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे हेडर्स लोग पैदा हो गए हैं जो डीडॉस अटैक करवा रहे हैं साइट्स पे, जैसे साइट्स का नाम पता चल रहा है तो वो लोग फिरौती मांग रहे हैं, रैनसम मांग रहे, बोल रहे हैं पैसा दो तो हम अटैक नहीं करेंगे। तो सिर्फ इस वजह से हम नहीं दिखा रहे, बाकी सारी चीज़ें लाइक स्टेप बाय स्टेप कैसे चीज़ों को करते हैं वो सारा कुछ आपको दिखाया जाएगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में, ताकि आप भी उसको फॉलो करके अपने लिए रिजल्ट लेके आ पाए। तो भाई पहले मैं चाहूँगा आप रिजल्ट दिखा दो। श्योर। तो जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है हमारी, हाँ, एंड यहाँ पे मैं अपना एडसेंस रिफ्रेश कर, जो नई वाली साइट है उसकी है, नई वाली साइट है उसकी है। एंड मैं यहाँ पे अभी रिपोर्ट्स में जाके साइट भी दिखा दूंगा कि ये उसी साइट की है, डोमेन आप देख लेना, अपने हिसाब से हाइड कर सकते हो। हम यहाँ पे एक बार पहले दिखा देते हैं इस मंथ में, अभी मंथ खत्म नहीं हुआ है, हम 27 जून पे हैं एंड ऑलरेडी हमारे $1,370 हो चुके हैं, जो ऑलमोस्ट इंडियन रुपीज होते हैं, ऑलमोस्ट मतलब 1,00,000 रुपए के, 1,370 अगर हम कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट 1,00,000 से भी ऊपर होते हैं, 1,12,000 होते हैं, 1,12,000 एक महीने साइड, एक महीने जो पुरानी है। तो पहले इस पे बात कर लेते हैं, एक महीना हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं रिपोर्ट में चला गया हूँ, अनकट एकदम वीडियोज है, इसमें हम साइट्स में चले जाते हैं। जैसे ही साइट में जाते हैं यहाँ पे हम एक बार लास्ट 30 डेज कर लेते हैं, या फिर आप बोलते हो दिस मंथ कर लेते हैं, राइट, हमने दिस मंथ कर लिया है। यहाँ पे वो वेबसाइट है एंड सिर्फ इस वेबसाइट से जैसा आप देख सकते हो $1,288 है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 1,300 के आसपास आप मान सकते हो। कुछ और भी वेबसाइट्स इसमें लिंक है पर उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ अभी इस वेबसाइट की बात कर रहे हैं। $1,300 हुआ है जिसमें से 1,288 की इस वेबसाइट का है। मैंने सर्च कंसोल में वेबसाइट को कब डाला, एनालिटिक्स में कब डाला, अभी सब हम दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि एडसेंस मैंने बाद में लिंक करा है, बिल्कुल भी नहीं। मैं इनफैक्ट डोमेन हिस्ट्री भी दिखा दूंगा, मैंने डोमेन परचेज कब करा, परचेज किया था आपने, मैंने डोमेन कुछ 11 मई के आसपास करा, 11 मई को किया था, और आज वीडियो शूट हो रहा है 27 जून को, आप देख सकते हैं। हाँ भाई, ट्रांसपेरेंसी का दूसरा नाम सतीश के वीडियो, लाइक हो जाएगा इस। तो जैसे आप देख सकते हो टुडे डेट अनकट स्क्रीन रिकॉर्डिंग है 27 जून को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और भाई ने 11 मई को डोमेन खरीदा था। एंड यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूँ, मैंने डोमेन खरीदा था, मैंने वेबसाइट अभी सेटअप भी नहीं की थी। अच्छा, डोमेन खरीदने कितने दिन बाद सेटअप किया? सेटअप मैंने की थी कुछ 10 दिन बाद, टाइम ही नहीं था, मतलब ऑलरेडी हमारे काफी सारे ब्लॉग्स चल रहे थे तो टाइम नहीं था। जैसे टाइम मिला हमने वेबसाइट सेटअप करी, सेटअप करने के ट्रैफिक लेने के बाद, मतलब आप मानो हमने 3,00,000 के ट्रैफिक को तो मोनेटाइज ही नहीं करा था, एडसेंस पे अप्लाई नहीं करा था, ऐसा नहीं रिजेक्शन आया ट्रैफिक आने तक, 3,00,000 के ट्रैफिक तक हमने मोनेटाइज था इसका, सॉरी रीजन क्या था, वही टाइम, मतलब टाइम अप्लाई, काफी सारी चीजें चल रही थी, और भी चीजें हो रही थी अदर वेबसाइट से जो हमने बताया था। तो यहाँ पे मुझे लगता है कुशल भाई, एक चीज तो लोगों को मतलब ये क्लियर हो गया रहेगा कि ब्लॉगिंग में हमें अब
सालों साल नहीं लगाने हैं, बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रेटेजिक तरीके से करें जैसे आप कर रहे हो, महीने दिन के अंदर पैसे बनाना शुरू कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। मतलब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ना लोगों के साथ, कि लोग ना आज भी ब्लॉगिंग को बिजनेस नहीं मानते। लोग इसको समझते हैं कि यार उस बंदे ने पैसा कमा लिया, ऐसे ही कमा लिया, लक बाय चांस कमा लिया, एक बार कमा लिया। पर ब्लॉगिंग एक्चुअल में एक रियल बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट मांगता है, टाइम मांगता है। आज अगर मैं एक महीने में रिजल्ट ले पा रहा हूँ ना, तो ये मेरे 5 साल के कंसिस्टेंट एफर्ट्स है जो मैं करते रहा, SEO लर्न करता रहा, आज भी करता हूँ। मतलब आज भी बहुत ज़्यादातर वेबसाइट्स पे हम डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, बट लोग इसको समझते नहीं है। लोग समझते हैं कि बस हम ब्लॉग बनाएं, ट्रैफिक आने लग जाए, इन्वेस्ट नहीं करते, लर्निंग पे इन्वेस्ट नहीं करते, तो फिर नहीं आ सकते आपको रिजल्ट। बट मुझे लगता है कि इस वीडियो में आप अपने पूरा 5 साल का वो निचोड़ दे दो, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि लोगों को 5 साल ना देना पड़े, बिल्कुल, और लोग सीख पाए जल्दी। तो भाई देखो, इस चैनल पर हम इसीलिए ऐसे गेस्ट को बुलाते हैं जो भाई पूरा वैल्यू दे, लाइक 100% वैल्यू दे, कोई नहीं सिखाएगा आपको, और फ्री में तो ये सारी चीजें आपको कहीं नहीं मिलने वाली है सत्य के अलावा। तो इसके लिए तो भाई आपको पहले ही धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल, थैंक्स फॉर लाइक इनवाइटिंग मी। चलिए अभी तो आपने इनकम दिखा दिया जी, थोड़ा वो दिखा दे, ट्रैफिक रिपोर्ट अगर दिखाना चाहे सर्च कंसोल हो। बिल्कुल, पहले हम स्टार्ट करते हैं एनालिटिक्स से। एनालिटिक्स दिखा दी। तो पहले जो आपका सबसे बड़ा डाउट था कि आपने डोमेन हो सकता है एडसेंस में बाद में लिंक किया, तो पहले मैं एनालिटिक्स को रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। और ये 840 कितने मिनट में भाई? ये अभी 30 मिनट में रियल टाइम चल। हाँ, एंड ये मैं बता दूँ, हम जैसे वीडियो रात के 9 बजे शूट कर रहे हैं, दिन में एवरेज हमारा 3-4 हज़ार रहता है रियल टाइम भाई। हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमने यहाँ पे ऑडियंस के सामने एक बार पहले लास्ट 28 डेज दिखा देते हैं। तो इसमें कुछ हमारा 1.3 मिलियन है, जैसा मैंने कहा था कि काफ़ी सारा ट्रैफिक हम मोनेटाइज नहीं कर पाए थे, तो उसमें अराउंड हमारा 20% मोनेटाइज भी नहीं हुआ था। राइट भाई साहब, 16, ये देखिए मैंने लास्ट 60 डेज किया है, 21 मई को, जैसे मैंने कहा मैंने वेबसाइट सेटअप भी नहीं करी, मैंने कोई ऐसी साइट नहीं देखी जो एक महीने में ही मिलियन ट्रैफिक आ जाए भाई। तो वही वाली बात है, आपको पता होना चाहिए आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो। कमेंट बताओ क्या आपने ऐसा कुछ देखा है कि ऐसा कुछ रिजल्ट जो एक महीने में ही भाई नए ब्लॉग पे हम इतना लेके जाए, कैसे लेके गए हैं कुशल भाई बताएंगे। बिल्कुल सर, कुशल भाई एक चीज हमें बताइए, बिल्कुल, ये लाइक एक महीने के अंदर आपने इस चीज को करा है, इस पे ट्रैफिक कहाँ से आता है या किस साइट पे? बहुत बढ़िया, तो अब मैं ये खुद ही चीज आपको इंट्रोड्यूस करने वाला था, कि इससे पहले आप क्वेश्चन पूछते कि ये चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये ट्रैफिक डिस्कवर ट्रैफिक नहीं है, एटलीस्ट सारा ट्रैफिक डिस्कवर गूगल से आ रहा है, गूगल सर्च से आ रहा है। मैं भी कंसोल में जाके आपको कंसोल के क्लिक्स दिखाऊंगा, डिस्कवर के क्लिक्स नहीं, डिस्कवर से भी आ रहा है ट्रैफिक, पर कंसोल बराबर रेशियो है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं डिस्कवर ट्रैफिक पे रिलेशन गया, इंडियन लोकेशन है, इंडिया से इंडिया नीश टारगेट करी हमने, और कोई बुरी नीश नहीं है, आप ऑलरेडी देख रहे हो ठीक ठाक पैसे हमने बनाए हैं। तो लोगों की ये भी मिसकंसेप्शन है इंडिया में पैसे नहीं बनते, वही वाली बात, आपको तरीका नहीं आता है, आपको सही तरीका आना चाहिए कि एग्जैक्टली आप कैसे पैसे बना सकते हो। अमेजिंग भाई। तो गाइस जैसे देखो, मैं तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ जो साइट भाई ने वहाँ पे जो डोमेन में दिखाया वही साइट यहाँ पे भी है। करेक्ट, मैं ट्रांसपेरेंसी इतना नहीं कर सकते कि ये आपको डोमेन दिखा पाए, बिल्कुल तो आपको मैंने पहले बता दिया कि लोग भाई अटैक कर रहे हैं साइट पे। करेक्ट, तो भाई के पापी पेट का भी सवाल है, नहीं करना चाहिए किसी के घर में ऐसे सेत। तो खैर इतना दिखा रहे हैं भाई, बहुत बड़ी बात है, मेरे तक दिखा रहे हैं, तो अगर आपको मेरे पे भरोसा है तो आप वीडियो आगे कंटिन्यू कर सकते हो, देख सकते हो पूरा अच्छे से, और सारी चीजें आपको ऑथेंटिक तरीके से दिखाई जाएंगी। तो भाई ये हो गया एनालिटिक्स, अब हमको दिखाई सर्च कंसोल। तो ये हमारा पूरा एनालिटिक्स के साथ था ट्रांसपेरेंसी, अब हम सर्च कंसोल की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे अगेन रिफ्रेश कर देता हूँ, जैसा आप देख रहे हो रिफ्रेश हो गया है, एंड सबसे पहले जो चीज़ मैं हाईलाइट करूँगा वो करूँगा रेशियो सर्च और डिस्कवर का, क्योंकि लोग आजकल डिस्कवर ट्रैफिक ऐसा बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मैं लिंक्डइन वगैरह पे काफ़ी डालता हूँ, तो लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि यार ये तो डिस्कवर ट्रैफिक है, कोई भी ला सकता है, कंसिस्टेंट नहीं है। बिकॉज रिसेंटली अभी हमने डिस्कवर पे भी एक वीडियो किया है, करेक्ट, जिसमें लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, करेक्ट, तो इस वजह से लोग बोल रहे होंगे। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ सर्च रिजल्ट से भी है और डिस्कवर से भी, एंड सर्च से ज्यादा है, ऑलमोस्ट हमारा 55% शेयर जो है वो सर्च से आ रहा है, ना कि हमारे यू नो दूसरे सोर्सेस से आ रहा है। एंड अगेन मैं इस चीज पे हाईलाइट करना चाहूंगा, अब यहाँ पे डेट देखो, सर्च कंसोल स्टार्ट कब से हो रहा है, 17 मई, ठीक है, यहाँ पे देखो कोई ट्रैफिक नहीं आया, इतने दिन कोई ट्रैफिक नहीं आया, राइट, एंड फिर उसके बाद ट्रैफिक आना स्टार्ट हुआ है। एक सेकंड, यहाँ पे हाँ किस दिन से आना शुरू हुआ है? ये ऑलमोस्ट 10 दिन, मतलब 10-12 दिन बाद वेबसाइट सेटअप होने के ट्रैफिक आना स्टार्ट हुआ, राइट। अब हम एक बार लोगों को सर्च कंसोल जो एक्चुअल ट्रैफिक होता है वो दिखा देते, ताकि ऐसा ना लगे कि डिस्कवर का ट्रैफिक है। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 34 मिलियन इंप्रेशन है, एंड ओवर लाइक 8 लाख क्लिक्स होने वाले हैं इस महीने। यहाँ पे भी डेट एक बार दिखा, हाँ डेट अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ
तो अगेन यहाँ पे 29 मई से ट्रैफिक आना शुरू हुआ, ट्रैफिक स्टार्ट हुआ अमेजिंग में, ठीक है। 11 मई को हमने डोमेन लिया था, 21 को सेटअप करा और 10 से 12 दिन के अंदर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया। 8 लाख क्लिक्स है हमारे लास्ट के 3 मंथ में, एक्चुअली तो ये एक मंथ भी नहीं है। तो यहाँ पे भी अगेन मैं ट्रांसपेरेंसी के लिए लास्ट 28 डेज दिखा देता हूँ। तो लास्ट 28 डेज में हमारा इतना ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, और अगर हम लास्ट 7 डेज की बात करें तो लास्ट 7 डेज में हमारा 129K है। एक बार हम मैपिंग के लिए यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं एनालिटिक्स पे, ताकि लोगों को कुछ भी यू नो फेक ना लगे। तो यहाँ पे हमारा 2 लाख का ट्रैफिक है। तो एनालिटिक्स में तो दोनों का ऐड करके बताएगा ना? हाँ सर, और सबका ऐड करके बताएगा। तो मैं स्टिल वो दे रहा हूँ कि लोगों को क्लियर है। CTR भी हमारा 2% है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है, ये नहीं कह रहा अच्छा है, 4% अच्छा CTR माना जाता है। काम करें तो और बेटर हो सकता है। हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अब हमने इस पे एक्चुअली में काम करना स्टार्ट करें, क्योंकि अब रिजल्ट्स दिख रहे हैं। तो प्रॉपर हमने 2-3 बंदे लगाए हैं टीम से। 15 ब्लॉग में जो आपका सबसे बड़ा ब्लॉग है, इस पे ट्रैफिक क्या रहता है? जो सबसे बड़ा ब्लॉग है उस पे अराउंड ट्रैफिक 20 मिलियन प्लस है अभी। एक महीने का नहीं, जब से हमने उस पे काम किया टोटल ट्रैफिक उस पे, और ज्यादा पुरानी वेबसाइट नहीं है वो भी, कुछ 7-8 महीने पुरानी वेबसाइट ही है, एंड उस पर टोटल ट्रैफिक 21 मिलियन है। इंडियन ट्रैफिक है कि बाहर? इंडियन ट्रैफिक है। हमारे पास बाहर के भी है, बाहर के ब्लॉग्स भी हैं जहाँ पे हम 7-8 लाख, 10 लाख, 2 मिलियन, 2.5 मिलियन, 20 मिलियन वाले का स्क्रीनशॉट दे दे। बिल्कुल स्क्रीनशॉट क्या, मैं अभी आपको आपके सामने लाइव उस वेबसाइट पे आपको ले चलता हूँ। तो बाकी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये सब हाइड अपने हिसाब से देख लोगे। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो लास्ट 7 डेज में ऑलमोस्ट उस पर 9 लाख क्लिक्स है डेली, मतलब 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा बहुत आराम से, मतलब 1 लाख को तो ट्रैफिक हम कंसिडर भी नहीं करते। इसका केस स्टडी कब दे रहे हो? इसका केस स्टडी भी आएगा, जल्दी आएगा। लास्ट कमेंट करो इस बड़ी वाली साइट का, अगर केस स्टडी चाहिए तो कुशल भाई के साथ कमेंट करो, मैं फिर इनको बुलाने की कोशिश करूंगा। यस, लास्ट 28 डेज में हम देख सकते हैं 4 मिलियन प्लस है। एंड यहाँ पे मैं ओवरऑल ट्रैफिक दिखा देता हूँ, मतलब दांत नहीं छोड़ गए हो। आप देख सकते हो कि ये वेबसाइट हमने कुछ मार्च में शुरू करी थी, ये भी नहीं है कि बहुत पुरानी वेबसाइट। वैसे भाई मैं भी इसमें भी देखूं तो डिस्कवर से 30% का 30% है, तो डिस्कवर भी आप कुछ करते हो उसके लिए कि ऑटोमेटिक जाता है? नहीं, कुछ स्पेशल नहीं करते, थोड़ा बहुत एफर्ट करते हैं, जो आपने अपनी वीडियो में ऑलरेडी कवर कर रखा है, वाली वीडियो में जो हमने जिसे कहा था पुश नोटिफिकेशन। हाँ, पुश नोटिफिकेशन पे हम काम करते हैं, टॉपिक्स, थंबनेल्स वगैरह थोड़ा सा काम करते हैं, पर हमारा प्राइमरी फोकस सर्च ही होता है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है। एक और चीज आता है भाई, जैसे आपका सर्च से इतना तगड़ा ट्रैफिक आ रहा है, बोल रहे हैं भाई कि ये AI टूल्स आ गए इतने, बार्ड आ गया गूगल का, ChatGPT, तो इससे आपको डर लगता है? ऑनेस्टली मैं बताऊं तो हम खुद AI कंटेंट के साथ बहुत काम करते हैं। अच्छा, एंड हमारा खुद का भी एक AI टूल है जस्ट इन केस, जो हम यूज करते हैं, वर्डबक्स नाम से है। तो AI अच्छी चीज है अगर आप अगेन सही से उसको यूज करो, एंड डर की अगर बात करो तो कोई डरने वाली बात नहीं है। अभी जिस लेवल पे AI है ना, इससे आप हेल्प लो, इससे डरो नहीं, क्योंकि आप अगर टेक्नोलॉजी को अडैप्ट नहीं करोगे आप पीछे रह जाओगे, राइट? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो चीज़ें आ रही है उसका यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, क्रिएटिविटी बढ़ाओ, ये सब आपको हेल्प कर सकते हैं अच्छे से। इनसे डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये आपको किल नहीं कर देंगे। क्योंकि माना कि बहुत कॉम्पिटिशन आ गया है, अब ये AI टूल्स भी आ गए हैं, तो हमेशा कहा जाता है ना, समुंदर में बड़ी मछली बच जाती है, छोटी मर जाती है। तो वही वाली बात है, या तो बड़े बन जाओ या मर जाओ। तो आप बड़े कैसे बनोगे जब आप इन्वॉल्व, मतलब इवॉल्व कर रहे हो, सब चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हो, अपने बिजनेस को एज ए बिजनेस ले रहे हो। जो चीज़ मैंने स्टार्टिंग में कही, लोग ब्लॉगिंग को बिजनेस नहीं मानते, तुक्का मानते हैं, टाइम पास मानते हैं। तो ब्लॉगिंग को एज ए बिजनेस लोगे, बिग फिश बनो ना, क्या दिक्कत है? किसने रोका आपको बड़ी मछली बनने से? सबके लिए खुला हुआ है आसमान, अपना काम करो, हैवी इन्वेस्टमेंट करो, बनाओ बड़े बड़े ब्लॉग्स। तो भाई यही आगे चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में कि भाई जैसे आपने इतना रिजल्ट दिखाया, ये तो 20 मिलियन वाला भी आपने दिखाया, और मैं यहाँ पे इसका भी थोड़ा डिटेल्ड ओवरव्यू दे देता हूँ एक बार सर्च के ट्रैफिक का। तो इसमें हम कर लेते हैं लास्ट के 12 मंथ, मतलब एक साल से भी पुरानी वेबसाइट है जैसे मैंने कहा आपको। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि 15 मिलियन सर्च ट्रैफिक है। मैं यहाँ पे अगेन हाईलाइट कर रहा हूँ, डिस्कवर से कितना है? डिस्कवर से अगर मैं दिखाऊं तो डिस्कवर 6 मिलियन, मतलब 20 प्लस हो गया। हाँ, 20 प्लस तो मैंने आपको बोला ही, तो मैं स्टिल यहाँ पे दिखा देता हूँ। डिस्कवर से भी 6.5 मिलियन के आसपास है, एंड उस पे 15 मिलियन, तो 20 मिलियन प्लस मैंने आपको बताया, 21 मिलियन पे हम काम कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा कॉल देना चाहूंगा ऑडियंस को कि गाइस, अगर आपको लग रहा हो ये क्या बातें हो रही है, तो ये सारी बातें ब्लॉगिंग से रिलेटेड हो रही है। इसका हमने पूरा अलग से प्लेलिस्ट बना के रखा है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट आ रहा है, ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप हमारा गाइड है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको देख के सीख सकते हैं ब्लॉगिंग। यह वीडियो मैंने शुरू में जैसा बोला कि थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल का होगा, तो भाई थोड़ा उस लेवल से बता रहे हैं, बट कोशिश करूंगा कि जो चीजें मुझे लगेगा आपको समझाने के लिए मैं उसको बीच बीच में समझाता रहूंगा। करेक्ट जी भाई, कंटिन्यू करिए। तो ये वो कुछ ट्रैफिक था।
वापस आ जाते हैं उस वेबसाइट पे जिसके ऊपर हम वीडियो आज बना रहे हैं। तो एक मिनट, ये रही वो वेबसाइट। तो हाँ, बात करते हैं इस वेबसाइट के ऊपर। जी, तो मेरा यही कहना है भाई कि जैसे आप इतना बढ़िया बढ़िया रिजल्ट लेके आ रहे हो, लोगों का कहना है कि हमने ब्लॉग सेटअप कर लिया, हम वेबसाइट अपना बना चुके हैं, उनके मन में तो अभी डाउट चल रहा है कि भाई ब्लॉगिंग अपडेट हो जाएगा AI की वजह से, और भी बहुत सारी चीज़ें, वो भी आपने क्लियर कर दिया। करेक्ट। बट आप जो काम करते हो, कैसे करते हो कि आपको रिजल्ट आ रहे हैं, लोग जो कर रहे हैं उनको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप ये प्रोसेस बताना चाहेंगे स्टेप बाय स्टेप पूरा? श्योर। तो अगर हम इस वेबसाइट की बात करें तो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम इस वीडियो में कंप्लीट केस स्टडी करते हैं, पूरा कंप्लीट केस स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले क्या आता है हमारा, सबसे पहले हमारा आता है डोमेन। डोमेन नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट मैटर करता है। डोमेन नेम बिल्कुल मैटर करता है इस पे, बहुत ज्यादा यू नो इम्पॉर्टेंट है ये चीज कि आप कौन से डोमेन, कैसे डोमेन पे वर्क कर रहे हो। लेट सपोज आप एक फ्रेश डोमेन उठा लेते हो जो एकदम नया आपने रजिस्टर कराया, कम से कम आपको वो फ्रेश डोमेन को चलाने में 6 से 7 महीने लग जाएंगे। ये मैं सच बता रहा हूँ, मैं भी अगर काम करूँगा, टीम के साथ भी काम करूंगा, 4 महीने से पहले मतलब ही नहीं बनता कि उस पर रिजल्ट रेंगना चालू करेगा, रेंगना चालू करेगा, एंड आपका इन्वेस्टमेंट बराबर लग रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मोस्टली जो मैं ब्लॉग्स बनाता हूँ उस पर मैं एक्सपायर्ड डोमेन का यूज़ करता हूँ। एक्सपायर्ड डोमेन्स अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ तो वो डोमेन्स होते हैं कि जो ऑलरेडी पास्ट में यूज़ हो रखे होते हैं किसी कंपनी से, कोई ऑर्गेनाइजेशन से, एंड वो फिर किसी रीज़न की वजह से लोग रिन्यू करना भूल जाते हैं, नहीं करते हैं, कंपनी डेड हो जाती है, कोई लीगल केस हो जाता है कंपनी पे, फाउंडर्स पे, तो वो डोमेन छूट जाता है क्योंकि उस डोमेन पे काम हो रखा होता है। एंड एक्सपायर्ड डोमेन लेने का जो लॉजिक होता है वो सिर्फ और सिर्फ बैकलिंक्स होता है और अथॉरिटी होता है, ठीक है, किस नीश पे बना था। तो होता क्या है, जैसे आप वो डोमेन लेते हो ना, आपके पास सारे लिंक्स हैं, जैसे आप कंटेंट डालना शुरू करते हो क्योंकि लिंक्स थे, वो डोमेन चलना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जैसे मैंने बताया, जल्दी से जल्दी 1 हफ्ते में आपका डोमेन चल सकता है अगर आपके पास इतना इनफ कंटेंट है, क्योंकि लोग अक्सर ये भी गलती करते हैं कि कंटेंट भी धीरे धीरे डालते हैं। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कंटेंट रेडी रखते हैं साइड पे, आपने कितना कंटेंट डाला होगा अभी तक। अभी हम लाइव टेस्ट करके दिखा देते हैं आपको, मतलब इसमें भी फुल ट्रांसपेरेंसी रखेंगे कि क्या बात है भाई, कि इस ट्रांसपेरेंसी के लिए भाई लाइक हो जाएगा। तो जैसा आप देख रहे हो वेबसाइट पे एकदम ऑथेंटिसिटी के साथ मैं लॉग इन कर रहा हूँ, अनकट एकदम। पोस्ट पे चला जाता हूँ मैं, पोस्ट पे जाने के बाद आप देख सकते हो 185, एक महीने में लगभग अपने 185 पोस्ट आपने। करेक्ट करेक्ट, ग्रेट। कोई वेब स्टोरी नहीं है जस्ट इन केस, मतलब अगर डेली देखा जाए तो लगभग 6 पोस्ट 6-7 पोस्ट 6, मतलब ऑनेस्टली मतलब तो हम 6 का नंबर रखते हैं। तो आप एक्सपायर डोमेन कैसे लेते हो? बहुत बढ़िया। तो ये काफी ज्यादा ना क्रूशियल चीज होती है कि एक्सपायर डोमेन कैसे लिया जाता है। एक्सपायर डोमेन लेना रॉकेट साइंस नहीं है, पर एक हैवी इन्वेस्टमेंट वाली चीज जरूर से, ये मैं डिस्क्लेमर ऑलरेडी दे दूं कि एक्सपायर्ड डोमेन आप ये नहीं उम्मीद कर सकते। मतलब पहले मैं ये वहम खत्म कर दूं कि आपको एक अच्छा एक्सपायर्ड डोमेन फ्री में या सस्ते में नहीं मिल सकता, ये बात मैं फैक्ट के साथ कह सकता हूँ। मेरे को आज 4 साल हो गए एक्सपायर्ड डोमेन्स के साथ खेलते, मेरे एक्सपीरियंस में दिन पर दिन एक्सपायर्ड डोमेन पर कॉम्पिटिशन बढ़ ही रहा है। मतलब जो डोमेन पहले $100 का आता था, आज वो $300 का आता है, जो 300 का आता था वो 1000+ है, कॉम्पिटिशन बढ़ ही रहा है। तो अगर आपको कभी गलतफहमी होती है कि कोई डोमेन है अच्छा आपको दिख रहा है, हम वो भी बताएंगे कि एक डोमेन में क्या क्या देखना चाहिए आपको, और अगर कोई डोमेन आपको अच्छा दिख रहा है और वो आपको सस्ता या फ्री में मिल रहा है, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ वो वर्क नहीं करेगा। रीज़न, अगर वो अच्छा डोमेन होता ना तो ऑलरेडी उस पर काफ़ी लोगों की नज़र होती एंड वो एक अच्छे खासे प्राइस पर होता। वो आपको कम प्राइस में मिल रहा है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ कमी है जिसकी वजह से लोग उसको छोड़ दे रहे बराबर। तो वो कैच है, आपको ये समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना। जो एक्सपायर डोमेन्स होते हैं इसके लिए अलग प्लेटफॉर्म होता है खरीदने? बहुत बढ़िया। तो प्लेटफॉर्म बिल्कुल होता है, वो हम प्लेटफॉर्म पहले दिखाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको एक्सपायर डोमेन लेना है। एक्सपायर डोमेन कहाँ से लेना है, एक्सपायर डोमेन्स कहाँ से लेना है और कैसे लेना है, कैसे लेना एग्जैक्टली सब बताएंगे। एक्सपायर डोमेन्स डॉट नेट पे आप गए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डोमेन्स, एक्सपायर डोमेन्स भी ना 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं जैसे मैंने बताया फ्री वाले। अगर जैसे आप सपोज करो आप एक इंटरमीडिएट ब्लॉगर हो, आप पहले टेस्ट करना चाहते हो, तो आप नॉर्मल डोमेन्स भी ले सकते हो। पर जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मैं ब्लॉगिंग को फुल फ्लेज बिजनेस मानता हूँ, तो मैं बहुत हैवी इन्वेस्ट करता हूँ। तो इन्वेस्टिंग से बात आई, तो मैंने जो डोमेन लिया था पहले आपको उसकी प्राइस दिखा देता हूँ ताकि लोगों को मिल जाता है। मैंने वो डोमेन $2600 में लिया, $2600 में लिया था। मैं वो दिखा देता हूँ, यहाँ से मैंने डोमेन लिया था, अगेन डोमेन 2 लाख से ऊपर हो गया, 2 लाख से ऊपर हो गया, एग्जैक्टली 2,20,000 के आसपास डोमेन था। तो आप देख सकते हो 2605 11 मई को, जैसा मैं बार बार बता रहा था, एंड ऑक्शन डोमेन था। अभी उस पर हम आएंगे, बताएंगे क्या होता है।
तो 11 मई को हमने डोमेन लिया था, $2600 का लिया था। वापस आते तो एक होते हैं नॉर्मल डोमेन्स, जो कि ठीक ठाक एक्सपायर्ड डोमेन होते हैं, वो शायद आपको फ्री में मिल जाए। और इस टूल में फ्री मतलब कि नॉर्मल प्राइस पे, नॉर्मल प्राइस पे, जैसे जो भी डोमेन रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट है $10-$40 ऐसे में। तो वो डोमेन्स अगर आपको ढूंढने हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे डोमेन डिलीटेड होते हैं, एक्सपायर्ड डोमेन, हाँ, तो डिलीटेड डोमेन्स होते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फिल्टर्स लगा सकते हो। पहली बात, आपको एक्सटेंशन पिक करना होता है, कौन से एक्सटेंशन का आपको डोमेन चाहिए। यहाँ पे एक्सटेंशन की बात आई तो इसमें डिलीटेड में गया, हाँ डिलीटेड में गया हूँ मैं, okay, हाँ। तो यहाँ पे मैं एक मिथ और क्लियर कर देता हूँ SEO की, कि लोग कहते हैं डोमेन नेम मैटर करता है, डोमेन एक्सटेंशन मैटर करता है। मैं ये बात आपको .com, .net, .io ये सब मैं सच बताऊँ, अपने एक्सपीरियंस से एक्सटेंशन मैटर नहीं करता। कोई भी एक्सटेंशन ले लो, सब चलते हैं, ठीक है। तो अगेन आपको यहाँ पे आना है, एंड यहाँ पे आपको जो भी एक्सटेंशन पे काम करना है उस एक्सटेंशन पे आप जा सकते हो। आपको .org लेना है तो आप यहाँ पे deleted.org पे जा सकते हो। अब ये ना आपको दिखा रहा है कि ऑलमोस्ट 60,000 ऐसे डोमेन्स हैं जो कि अभी ड्रॉप हुए हैं, मतलब आप खरीद सकते हो। देख रहे हो यहाँ पे अवेलेबल आ रहा है, ये सब खरीद सकते हो। अब आपको करना क्या है, इनको चेक करना होता है, ये सबसे क्रूशियल पार्ट है, चेक करना होता है कि इनमें से कौन सा अच्छा है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 200 करके चेक कर सकते हो टूल्स पे। कौन कौन से टूल्स पे चेक करोगे, आप पूछोगे, आप मॉस पे चेक कर सकते हो। 200 क्या है, 200 डोमेन्स रिजल्ट दिखाएगा ना ये, जैसे यहाँ पे आप गए, आपने 200 डाल दिया, तो अब एक पेज में 200 डोमेन्स है। अब आप 200 का बैच करके इसको चेक कर सकते हो। चेक कहाँ पे करोगे, मॉस पे कर सकते हो, मॉस पे बल्क चेकर जो SEO टूल है, SEO टूल जो है उस पर जाके आप बल्क डोमेन चेकर पे जाके इसकी अथॉरिटी वगैरह कितना DAPA है करके थोड़ा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली मैं मॉस का यूज़ नहीं करता, मैं HRF का करता हूँ। HRF से दिखा दो, HRF से दिखा देता हूँ मैं। तो अगर कितना DAPA है, कितने बैकलिंक्स हैं, या आप और जो एक्सपायर्ड डोमेन पे ही दिखाता है DAPA, उसका उस रोल नहीं, इस पर DAPA नहीं दिखाता है एक्चुअली। DAPA जो दिखा रहे हैं ये अलग टूल के हैं, मैजिस्टिक करके टूल आता है उसके हैं, अलग अलग टूल के अपने अपने हैं, मैं नहीं मानता जो एक्सपायर्ड डोमेन दिखाता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ये सारे चेक हो गए हैं। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें DR से सॉर्ट कर देना है, सबसे बड़ा वाला जो वो 24 दिख रहा है। सबसे पहली चीज़ जो हम एक्सपायर्ड डोमेन में चेक करते हैं वो ये चेक करते हैं कितना DR है, क्योंकि ज़्यादा DR फायदेमंद तो होता है, ठीक है, इसमें कोई सेकेंड थॉट वाली बात नहीं है। पर आपको DR को एकदम अंधे तरीके से ट्रस्ट नहीं करना है, उसका पूरा पीछे तक जाना है, चेक करना है कि वो 24 बना कैसे, 22 बना कैसे, क्या उसके पास इतने लिंक्स हैं भी, या फर्जीवाड़े में वो इतना बड़ा बन गया। तो जैसे आप देख सकते हो इसमें सिर्फ 2 लिंक्स हैं, तो ये एक अच्छा एक्सपायर्ड डोमेन नहीं है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस पे 5 का इसका DR है, जो कि ठीक है, 45 है। तो आपको क्या करना है, इसको चेक करना है। कैसे चेक करना है, आपको इसके रेफरिंग डोमेन पे क्लिक कर देना है। DR चेक करने के बाद हम ये चेक करते हैं कि इसको लिंक्स कहाँ से आ रहे हैं, क्या वो वेबसाइट्स अच्छी हैं भी या नहीं है, और कहाँ पे आ रहे हैं, मतलब वेबसाइट से तो नहीं, अडल्ट वेबसाइट से तो नहीं आ रहे, कोई ख़राब वेबसाइट से तो नहीं आ रहे हैं, किस पेज पे आ रहे हैं। एक्सपायर्ड डोमेन लेते टाइम लोग ये गलती कर देते हैं, कभी कभी क्या होता है ना, किसी डोमेन के किसी सब डोमेन पे बहुत सारे लिंक्स आ रहे हैं, उन्होंने एक्सपायर्ड डोमेन ले लिया, वो सब डोमेन को लाइव नहीं करा, उस पर वेबसाइट नहीं बनाए, वो सारे लिंक्स ख़राब हो जाएंगे, पावर नहीं मिलेगी। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि लोग अक्सर ये देखना भूल जाता है कि लिंक्स आ कहाँ पे रहे हैं। लिंक्स हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा होम पेज पे आने चाहिए, मतलब एग्जैक्ट होम पेज पे, जो डोमेन आप ले रहे हो वहाँ पे ही डोमेन्स के सारे, कि अगर किसी आर्टिकल पे हो या किसी कीवर्ड, हाँ, तो फिर दिक्कत है, डिलीट हो गया होगा, आप उसको लाइव नहीं कर पाओगे, तो वो फिर दोबारा वापस नहीं आ पाएगा, बराबर, वो लिंक लॉस्ट हो जाएगा, पावर नहीं मिलेगी। तो इसके लिए होम पेज पे आए, एंड वेबसाइट जब आप लाइव कर रहे हो आपको इसका भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो किस वर्जन पे थी, मतलब क्या वो www करके वेबसाइट थी या फिर वो non-www चलेगा, बहुत बढ़िया। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी लिंक्स उसको मिले हैं वो चेक करने किधर पॉइंट कर रहे हैं। अब जैसे देखो ये बिना www वाले पे कर रहे हैं, समझ गया। एक तरीका और है, HRF में एक ऑप्शन होता है यहाँ पे बेस्ट बाय लिंक्स करके। बेस्ट बाय लिंक्स पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको वो टॉप पेज दिखा देगा, आपको यहाँ पे रेफरिंग डोमेन कर देना है, एंड यहाँ पे वो टॉप पेज दिखा देगा कि किस पेज में सबसे ज़्यादा लिंक थे। तो इस केस में इस वेबसाइट के www वर्जन पे सबसे ज़्यादा लिंक थे, तो आप www लाइव कर दो, और दूसरे वाले पे भी जैसे थे तो इसको रिडायरेक्ट कर दो www पे, ताकि पूरा जूस फ्लो हो जाए। ये चेक हो गया आपका। इसके बाद आपको 2 चीज़ें और चेक करनी होती है, इनफैक्ट 3 और चेक करनी होती है।
तीन चीज़ें आपको और चेक करनी होती है। सबसे पहले अगर वो डोमेन महंगा है, मतलब $300 या उससे ज़्यादा महंगा है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं उस डोमेन का गूगल इंडेक्स चेक करता हूँ। गूगल इंडेक्स चेक कैसे करते हैं? आपको डोमेन को कॉपी करना है, आपको गूगल में जाना है, साइट कोलन डोमेन का नाम डाल देना है। तो अगर वो डोमेन यहाँ पे आपको दिख जाए या उसके रिजल्ट्स दिख जाए, तो वो डोमेन आपका नहीं है। तो इसका मतलब ये कि ये डोमेन इंडेक्स नहीं है, रेड सिग्नल नहीं है, ये आप कह सकते हो एक तरीके से ऑरेंज सिग्नल है। आपको और फर्दर चेक करना पड़ेगा कि क्या इस डोमेन को लेना चाहिए नहीं चाहिए। बट ऐसा भी तो हो सकता है गूगल ने इसको पेनलाइज करते हो। हाँ एग्जैक्टली, तो होता यही है कभी कभी कि क्योंकि ये एक्सपायर्ड डोमेन है, चांसेस है कि ये पास्ट में पेनलाइज हुआ हो। तो इसके लिए अगर तो ये डोमेन सस्ता है तो आप रिस्क ले सकते हो इसको। मतलब अगर गूगल ने पेनलाइज कर दिया, अगर काम करेंगे तो वापस आ सकता है? नहीं, मेरे केस में आज तक नहीं आया। तो फिर इसको छोड़ ही देंगे ना? छोड़ देना चाहिए। तभी मैंने वहाँ पे एक डिस्क्लेमर दिया था कि अगर 300 ज़्यादा महंगा है तो मत लो ऐसे डोमेन को जो गूगल में इंडेक्स नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो फिर पूरे तरीके से एक बेट होगा, एक सट्टा होगा कि चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो फिर आपका वो लॉस है। तो एक तरीके से इसको रेड सिग्नल ही मान, रेड सिग्नल मान सकते हो आप कि अगर इंडेक्स नहीं है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। बाकी डिपेंड करता है कितने प्राइस पे आप ले रहे हो। अब जैसे फ्री में मिल रहा है तो फ्री में ले लो। अगर इंडेक्स करता है, यहाँ पे इंडेक्स होता, तो इसके अलावा और क्या देखना होता है? बहुत बढ़िया। अगर ये इंडेक्स होता तो हम यहाँ पे चेक करते हैं इसके कौन से पेजेस इंडेक्स हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वेबसाइट कभी हैक हो गई थी तो बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं, जो हैक होने के बाद वेबसाइट के पेजेस बन जाते हैं ना। क्या इस वेबसाइट पे कोई अडल्ट कंटेंट या कोई ख़राब कंटेंट तो पोस्ट नहीं हुआ था जो गूगल में अभी भी इंडेक्स है? तो ये सब चीज़ों का हम चेक करते हैं अगर वेबसाइट इंडेक्स है तो। इसके बाद जो लास्ट दो चेक हम करते हैं वो एक करते हैं कि किस एंकर्स पे इसको लिंक्स मिले हुए हैं। तो अगर तो एंकर्स यहाँ पे सही है और कोई भी खराब नीश वाले एंकर नहीं, जैसे CBD कैसीनो, न्यूट्रा हेल्थ प्रोडक्ट्स, अडल्ट के अगर कसी एंकर्स नहीं है तो गुड है। अगर वैसे एंकर्स हैं तो फिर दिक्कत है। जैसे इस केस में आप देख सकते हो कि जितने एंकर्स हैं वो सारे खराब एंकर्स हैं। क्या लिखा है? मतलब यहाँ पे बाय रेंट स्टब, मतलब ये सारे रेलेवेंट एंकर नहीं है। आप देख रहे हो कैनबीज के एंकर बने हुए हैं, मैरिजुआना के एंकर बने हुए हैं, वीड के बने हुए हैं। तो ये सब अगर एंकर्स आपको बने हुए दिखें तो आपको डोमेन को अवॉइड करना है। इसके साथ साथ एक लास्ट चीज़ जो आपको चेक करनी है वो चेक करनी है ट्रैफिक। क्या डोमेन पर ट्रैफिक था या नहीं था पास्ट में? क्या वो डोमेन इतना पावरफुल होने के बाद भी चला या नहीं चला? क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पे भी ये चीज़ मिस कर देते हैं। डोमेन तो बहुत परफेक्ट होता है, पावरफुल होता है, इंडेक्स भी होता है, लिंक्स भी अच्छे होते हैं, सब परफेक्ट होता है, पर पास्ट में डोमेन में कभी ट्रैफिक ही नहीं आया था और वो लोग डोमेन खरीद लेते हैं। तो वो डोमेन कभी कभी क्या होता है, नहीं चलता है। नो मैटर वो कितना पावरफुल हो, वो आपने $5,000 का लिया पर अगर उसमें पास्ट में ट्रैफिक नहीं है, उस पर 1,000 क्वालिटी लिंक्स भी होंगे ना, उसके चलने के चांसेस कम होते हैं, प्रोबेबिलिटी कम होती है। तो आपको ट्रैफिक भी चेक करना है कि कितना ट्रैफिक आया था, और ट्रैफिक का ग्राफ भी कि क्या एकदम से आया, एकदम से चला गया या आराम आराम से गया। जैसे इस केस में एकदम से आया, एकदम से चला गया, तो ये भी एक रेड सिग्नल है कि कहीं ना कहीं इस पर कुछ ऐसा काम हुआ जो गूगल को पसंद नहीं आया और अल्टीमेटली गूगल ने फिर ट्रैफिक को डाउन कर दिया। तो इसको और अच्छे से चेक करने के लिए वेबसाइट की आर्काइव चेक कर सकते हो। वेब आर्काइव जो होती है, ये फर्स्ट वाली वेबसाइट है wayback.archive.org, इस पर आपको डोमेन को डालना है। एंड एक एक करके जितने भी साल ये लाइव रहा था उतने साल का आपको इसको चेक करना है कि एग्जैक्टली इस वेबसाइट पर क्या हुआ था, मतलब कैसी कैसी साइट बनी थी, क्या डोमेन कभी रिडायरेक्ट तो नहीं हुआ था। क्योंकि हमें रिडायरेक्टेड डोमेन्स को भी अवॉइड करना चाहिए, जो डोमेन पास्ट में एक से दूसरे वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हुए थे, हमें ऐसे डोमेन्स को भी अवॉइड करना चाहिए। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि डोमेन 2 साल चला था, फिर 2023 में लाइव हुआ था, राइट? एंड 2023 में लाइव होने के बाद इस पर कुछ एक्टिविटी हुई, देन बंद हो गया। तो अगेन ये डोमेन पूरी तरीके से एक रेड सिग्नल है कि इस डोमेन पे कुछ भी वैसा काम नहीं हुआ कि आप इसको कंसिडर करो। आप इसको छोड़ के आगे मूव ऑन कर सकते हो और डोमेन्स को चेक कर। तो ये तो हमारा पूरा प्रोसेस हुआ कि हम फ्री वाले डोमेन्स को कैसे चेक करते हैं। अब बात मेहनत तो लगेगी अच्छी खासी। मतलब एक्सपायर्ड डोमेन रिसर्च करना अपने में बहुत बड़ा टास्क होता है। इनफैक्ट मैं भी जब एक्सपायर्ड डोमेन रिसर्च करता हूँ कभी कभी तो महीने भी लग जाते हैं और अच्छे डोमेन हाथ में नहीं आते जैसे आपको चाहिए होते। तो अगर जैसे हमें ग्रीन सिग्नल दिखे उसके बाद हम डोमेन कहाँ से खरीदेंगे? बहुत बढ़िया। हाँ, तो आप कहाँ से डोमेन खरीद रहे हो इस पर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से आपको डोमेन मिलेगा। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं अपनी बात करूँ तो जैसे मैंने बताया डोमेन के टाइप्स होते हैं। एक होते हैं फ्री ऑक्शन डोमेन्स, एक होते हैं फ्री एक्सपायर्ड डोमेन्स, एक होते हैं ऑक्शन एक्सपायर्ड डोमेन। ऑक्शन जैसा नाम बता रहा है उसकी बिडिंग होती है, ऑक्शन होती है, नीलामी होती है। बहुत सारे लोग एक डोमेन में इंटरेस्टेड होते हैं, जो सबसे ज़्यादा पैसे देता है वो डोमेन ले जाता है। तो इस केस में अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं जो है expireddomains.net में यहाँ पे मार्केट प्लेस का यूज़ करता हूँ, राइट? मार्केट प्लेस में आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे मार्केट प्लेस है जहाँ पे आपको एक्सपायर्ड डोमेन मिलते हैं।
तो मैं यूजुअली एक्सपायर्ड डोमेन गोडैडी ऑप्शन से खरीदता हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छी वेराइटी होती है इनके उस एक्सपायर्ड डोमेन की। तो यहाँ पे आप गोडैडी में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सपायर्ड डोमेन्स में आ जाना है, ठीक है, इसके मेन्यू में। एंड यहाँ पे अगेन आपको वो सेम प्रोसेस करना है कि आपको डोमेन्स को फिल्टर लगाना है, उनको चेक करना है कि कौन सा डोमेन अच्छा है। एंड सेम तरीके से लेट्स सपोज आपको कोई डोमेन अच्छा लगता है तो आपको जाना है auctions.godaddy.com पे, जैसे प्रोसेस बता रहे थे आप खरीदने का, आपको वहाँ पे जाके वो डोमेन सर्च करना है और उस पर आपको बिड करना है। मतलब बिड मतलब डेट होती है ऑक्शन की कि इस तारीख से इस तारीख तक इसका ऑक्शन चलेगा, इस दिन ख़त्म हो जाएगा। तो जो सबसे हाईएस्ट बिडर होता है वो जो है वो डोमेन लेके जाता है, तो जो सबसे ज़्यादा पैसे देगा वो डोमेन ले जाएगा। हमेशा आपको जब भी आप एक्सपायर्ड डोमेन खरीद रहे हो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो डोमेन का बजट, लेट्स सपोज आपको कोई डोमेन समझ आया, उसके लिंक्स देखो, उसकी क्वालिटी देखो, अपने माइंड में बजट रखो, ऑक्शन में जब बैठो उस बजट को लेके बैठो कि इससे ऊपर मैंने डोमेन नहीं खरीदना। क्योंकि लोग क्या होता है कभी कभी इमोशन अटैच कर देते हैं और महंगा डोमेन खरीद लेते हैं, और महंगा डोमेन जब आप खरीदते हो ओवर वैल्यू करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में ROI निकालने में दिक्कत होती है। तो आपको बजट लेके बैठना है, माइंडसेट के साथ बैठना है, इमोशनल नहीं होना है, और जो डोमेन अच्छा लगता है वही खरीदना है। अपन जैसे ये भी तो कर सकते हैं जैसे एक्सपायर डोमेन वाले में जो डोमेन लिस्ट है उसमें जाके सीधा ऑप्शन में ही चले जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। मतलब मैं तो फ्री वालों की तरफ देखता भी नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने ये चीज जैसे आपने बताया कि उन लोगों के लिए जो पैसा नहीं इन्वेस्ट करना नहीं करना चाहते या फिर एक्सपायर्ड डोमेन को एक बार ट्राई करना चाहते हैं, तो वो बेसिक डोमेन ले सकते हैं 15-20 रेफरिंग डोमेन के साथ, 50-60 वैसे डोमेन लेके स्टार्ट कर सकते हैं, एक्सपीरियंस आता है, फिर वो ऑक्शन डोमेन खरीद सकते हैं, क्योंकि ऑक्शन डोमेन अच्छे खासे पैसों का आता है। मतलब मिनिमम एक अच्छा ऑक्शन डोमेन आपको $600 से कम में नहीं मिलेगा, मिनिमम $600 आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अभी ये सब करके हम डोमेन पा गए, इसके बाद हमें क्या करना है? डोमेन आपने ले लिया, अब आपको इसको होस्ट करना है। होस्ट करने के लिए मैं पर्सनली क्लाउडवेज का यूज करता हूँ, डिजिटल ओशन का यूज करता हूँ। जो लोग शुरू कर रहे हो लाइक होस्टिंगर ब्लू होस्ट यूज कर सकते, क्योंकि काफी ईजी टू यूज होता है। जो मैंने ये क्लाउडवेज और रन क्लाउड ये सब बताइए, थोड़े क्रिटिकल होते हैं, थोड़ा टेक्निकल नॉलेज आपको जब आ जाए तब आप इन पे जा सकते हो। इतना इन्वेस्ट करना होस्टिंग में $15-20 महीने का वर्थ इट नहीं होता है एक न्यूबी के लिए जो स्टार्ट कर रहा है, फिर एक इंटरमीडिएट। तो दोस्तों मैं भी आपको रेकमेंड करूंगा कि आप शुरुआत करने के लिए होस्टिंगर आप ब्लू होस्ट के साथ आप जा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं ब्लू होस्ट, क्योंकि ब्लू होस्ट के साथ में हमने टाइप किया है, आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे कि जो हमारा पहला लिंक है उस पर जब आप क्लिक करते हो तो आप इस पेज पे लैंड हो जाते हो। देख सकते हैं स्पेशल ऑफर फॉर फैंस ऑफ सतीश के वीडियोस। यहाँ पर आपको वर्डप्रेस के लिए प्लान चूज करना है। मैं कहूँगा आप ये बेसिक ना करके आप प्लस प्लान चूज करो, क्योंकि यहाँ पर आप मल्टीपल वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। यहाँ पे अनलिमिटेड SSD स्टोरेज मिल जाता है, अनलिमिटेड डेटाबेस है, और साथ ही साथ आपको 100+ फ्री वर्डप्रेस थीम्स मिल जाते हैं, और इसके अलावा SSL सर्टिफिकेट भी मिलता है, और 1 साल का डोमेन भी आप फ्री क्लेम कर सकते हो। तो इतना कुछ मिल जाता है आपको ₹279 पर मंथ वाले प्लान में। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक और ऑफर है कि अगर आप लोग होस्टिंग परचेस करते हो और उसका इनवॉइस हमें मेल करते हो gift@satishkushwaha.com पे, तो आपको मिलता है $1000 वर्थ के प्रीमियम प्लगइन्स और थीम्स। जी हाँ, बिल्कुल फ्री मिलते हैं आपको वो चीज़ें, और इवन ब्लू होस्ट को वर्डप्रेस भी रेकमेंड करता है। आप यहाँ पे देखोगे वर्डप्रेस होस्टिंग के पेज पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पे दिखाता है ब्लू होस्ट बेहतरीन होस्टिंग है जो इनके तरफ से रिकमेंड किया जाता है। तो मैं भी आपको बोलूँगा कि आप ब्लू होस्ट भी आप ट्राई करो और इसके साथ अपना वर्डप्रेस ब्लॉग शुरुआत करो। वर्डप्रेस ब्लॉग शुरू करने के लिए हमने इस वीडियो में पूरा बताया हुआ है डिटेल से कि कैसे आप अपना ब्लॉग बनाओगे। यहाँ पे इस ट्यूटोरियल को देख के आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो पर, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें करनी होती हैं। तो अभी वहाँ पे वेबसाइट अपना सेटअप कर लेंगे, जैसे नॉर्मली जैसे हम लोग सेटअप करते हैं करेक्ट, उसका तो हमने पूरा ट्यूटोरियल दिखा कर रखा है कि कैसे हम कोई वर्डप्रेस पे कैसे वेबसाइट होस्ट करते हैं करेक्ट। तो चलो उतना वो लोग देख के प्रोसेस कर लेंगे, भाई लोग सेटअप कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे अपन? उसके बाद अपन क्या करेंगे, जो अब आपने वेबसाइट बना ली, अब आती है आपको रिसर्च करनी है, कीवर्ड रिसर्च करनी है। तो कीवर्ड रिसर्च के लिए अगेन यहाँ पे मैं HRFs का यूज़ करूँगा एंड आपको करके दिखाता हूँ कीवर्ड रिसर्च में कैसे करना। मुझे एक क्वेरी है भाई जी, जैसे मान लो हमने जो डोमेन निकाला वो डोमेन किसी और निश पे था, कोई और काम कर रहा था, और वो डोमेन की अथॉरिटी वगैरह मुझे पसंद आ गए, तो क्या मैं अपने तरीके का कंटेंट डाल सकता हूँ?
अब इसमें ना थोड़ा सा कैच होता है, एंड मैं ये बताऊँ ये पूरा लक डिपेंडेंट होता है, थोड़ा सा यहाँ पे लक चलता है कि वो डोमेन चलेगा या नहीं चलेगा. तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग में जिस नीच के बारे में वो डोमेन था थोड़े दिन वो नीच डाल दो. जब वो नीच चल जाए तो उसका कंटेंट रहने दो, साथ में जो करना चाहते थे वो पुश करना स्टार्ट कर. जैसे मुझे याद आ रहा है जो MPNRC जो साइट थी बहुत एक समय में बहुत ट्रेंड पे थी, करेक्ट, हर किसी ने उसके बारे में बात किया था. hey. तो उनके लाइक 100 मिलियन के आसपास ट्रैफिक आ रहा था, करेक्ट. बट उन वो जो MPNRC जो साइट थे आई थिंक कुछ बोर्ड वेब, हाँ कुछ सरकारी था, मेडिकल से रिलेटेड कुछ ऐसा था मुझे पता है, बट उनका कंटेंट डिफरेंट था, अलग था, वो अच्छा मिल रहा था. तो क्या वो लग बाय चांस था? नहीं, बिल्कुल नहीं. तो अब जैसे मैंने बताया जब आप बहुत पावरफुल डोमेन खरीदते हो तो ये सब आप कर सकते हो. और उनका भी अगर आप देखते ना तो उन्होंने प्रॉपर सेटअप करा था, डोमेन होम पेज वगैरह बनाया था सही से, कैटेगरीज अच्छे, पेजेस कौन से उनको लिंक करा था, तो वेबसाइट सेटअप उन्होंने सही से करा था. जो पास्ट में डोमेन था उसके बारे में बताया था. डोमेन सेटअप जब आप करते हो तो मैं यहाँ पे कुछ टिप्स और दूंगा कि आप पहली बात तो अपने फुटर में ये लिखो कि दिस डोमेन इज अक्वायर्ड बाय अस एंड डज नॉट बिलोंग टू द प्रीवियस ओनर. और एक अक्वायर्ड का पेज बना लो जहाँ पे ये सेम चीज़ लिख दो, ताकि क्लैरिटी रहे. लेट्स सपोज आप कल को किसी का डोमेन खरीद रहे हो, वो ब्रांड या वो बंदा दोबारा आ जाता है, वो कुछ आपसे कहता है कि यार आप तो मिसलीड कर रहे हो, तो आपने डिस्क्लेमर ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे दिया होगा, देना डिस्क्लोजर दे देना, डिस्क्लोजर दे देना है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने डोमेन खरीद लिया, अब ये हमारा है, पुराने ओनर से कोई मतलब नहीं है इसका, तो कोई दिक्कत नहीं होती आपको. तो कीवर्ड रिसर्च की तरफ बढ़ते, HRFs का यूज कर रहे हैं. यहाँ पे हम कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं इंडिया, एंड यहाँ पे जैसे मैंने बताऊँ इस वेबसाइट पे मैंने हाउ टू का कंटेंट डाला था. जो लोग सर्च करते ना हाउ टू डू दिस ये वो, कुकिंग वाला कंटेंट डाला था, लोग रेसिपीज़ वगैरह बहुत सर्च करते हैं. ये सब मैं नीश नहीं बता रहा हूँ एग्जैक्टली क्या था, आइडिया दे रहा हूँ कि किस किस नीश में आप बना सकते हो. तो जैसे अगर हम यहाँ पे सर्च करें रेसिपी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेसिपी डालना है, एंड आप देख सकते हो काफ़ी सारे यहाँ पे कीवर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं. अब यहाँ पे HRFs अगर आपके पास है, इस पर एक बहुत अच्छा फीचर आया है लोएस्ट DR का. इसमें ये क्या करता है, आपको बता देगा कि क्या top 5, top 10 में अगर कोई छोटे DR वाली वेबसाइट है, आप यहाँ पे इसको DR बता दो, आपके लिए छोटी वेबसाइट क्या है. हम इसको बोल देते हैं भाई 0 है, तो हम इसको बोल रहे हैं कि भाई top 10 में अगर कोई भी वेबसाइट का DR 0 है वो अगर आती है तो वो कीवर्ड्स मेरे को दिखा दो. यहाँ पे कर दो आप शो रिजल्ट. आप देख पाओगे कि इसने आपको 4000+ ऐसी वेबसाइट्स बता दी है जिसमें जो रिजल्ट आ रहे हैं टॉप 10, उसमें से एक ना एक वेबसाइट का DR 0 है. DR बोले डोमेन रेटिंग, ठीक है, आप DA की तरह बहुत नॉर्मल सी साइट है, बहुत नई साइट है. तो हम ये एक बार चेक भी कर लेते हैं. अब जैसा कि आप देख सकते हो हमने पास्ता रेसिपी की वाले कीवर्ड को देखा, तो कीवर्ड रिसर्च करते टाइम कभी भी आपको ना जो टूल्स मेट्रिक देते हैं KD कीवर्ड डिफिकल्टी, उससे एकदम से नहीं जाना चाहिए, बिलीव ही नहीं करना है एकदम से, क्या जाना ही नहीं है आपको, कीवर्ड को मैनुअली सर्च करना है. मैनुअली कैसे सर्च करना है, दो चीज़ें ध्यान देनी है, इनफैक्ट तीन. जो वेबसाइट्स आ रही है किस टाइप की वेबसाइट्स हैं, क्या वो न्यूज़ वेबसाइट है या फिर वो नीश वेबसाइट्स है, मतलब उसी टॉपिक पे बनी वेबसाइट है. जो वेबसाइट्स आ रही हैं टॉप 10 में उसमें से कितनी वेबसाइट जो है वो 20 या 30 DR से ऊपर है, क्योंकि 20-30 से ऊपर है तो मतलब वो पुरानी वेबसाइट है, काफ़ी टाइम अच्छी अथॉरिटी है, अच्छी खासी अथॉरिटी है, ठीक है. और तीसरी कि लेट्स सपोज अगर कोई छोटी वेबसाइट भी आ रही है, वो लिंक्स कितने बना रहे हैं उस पेज पे. कई बार लोग धोखा क्या खाते हैं, उनको छोटी वेबसाइट दिख गई, वो खुश हो गए कि यार सब नीश वेबसाइट है, पर जब वो लिंक्स देख रहे हैं एक बंदा 100-100 लिंक बना रहा है. कैसे बनाओगे आप 100 लिंक एक पेज पे, आपको 100-150 पेज की पूरी वेबसाइट बनानी है, कैसे बनाओगे आप. तो आपको इस पर भी ध्यान देना है कि कितने रेफरिंग डोमेन्स हैं इसके. अब जैसे अगर हम यहाँ पे देखें पास्ता रेसिपी में, तो इस बंदे का डोमेन रेटिंग 0 है, लिंक्स भी है 0 बना रहा है, मतलब फिर भी रैंक कर रहा है. क्यों? क्योंकि कंटेंट अच्छा होगा, वेबसाइट अच्छी होगी, टॉपिक्स इसने काफी सारे, हाँ हिंदी में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़ी. कीवर्ड इंग्लिश में डाली थी ना, कीवर्ड इंग्लिश में डाली थी, बट गूगल को रेलेवेंट लग रहा है, गूगल को रेलेवेंट लग रहा है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है गूगल को, वो दिखा रहे हैं. तो आप क्या करना है, अगर आपको ऐसे कीवर्ड्स मिलते हैं और ऐसे कीवर्ड्स में आपको वेबसाइट मिलते हैं, इन वेबसाइट्स को इकट्ठे करते जाओ और फिर इन वेबसाइट्स में डीप जाओ कि क्या कीवर्ड कवर कर रहे हैं. जैसे हमने यहाँ पे हमको पहले कीवर्ड में ही एक वेबसाइट दिख गई, अब हम क्या करेंगे, इस वेबसाइट का बायोडाटा देखेंगे. कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम इसका एक जनरल HRF मारेंगे, ठीक है, देखेंगे कितना ट्रैफिक है, क्या लिंक्स बना रहा है ये, ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे देखा डोमेन रेटिंग 0 है, बैकलिंक भी इसने बनाए नहीं है, तो ट्रैफिक आना शुरू हुआ, ट्रैफिक आना शुरू हुआ है, और ये फ्रेश डोमेन था, ठीक है, इसने ऑलरेडी
21 में काम शुरू करने से मेरा ना टाइम लगता है 6-7 महीने साल, इसको वो टाइम लगा, तो इसने टाइम इन्वेस्ट किया। ये चाहता तो एक साल के अंदर लिंक्स बना के जल्दी रैन कर सकता था, इसने टाइम इन्वेस्ट किया। अब एक बार इसके पेजेस देख लेते हैं, पेजेस कैसे हम देखेंगे, हमें जाना है यहाँ पे ऑर्गेनिक कीवर्ड में। एक चीज़ मैं बता दूँ कि भाई जो टूल का यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है एचआरएफ, ये थोड़ा सा महंगा टूल होता है बट मार्केट में जुगाड़ लगा के इसको सस्ते में भी आप यूज़ कर सकते हो। वो चीज़ मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि हाँ। वो एक तरीके से पायरेसी को प्रमोट करना होता है। करेक्ट, हाँ, तो मैं वो नहीं बस बता दिया, आप लोग अगर होशियार हो तो पता लगा सकते हो। करेक्ट, तो जैसे हम देख सकते हैं कि इस वेबसाइट पे जिन पेजेस पर ट्रैफिक आ रहा है वो सिर्फ 48 है, थोड़ा या कम ट्रैफिक जितना भी 48 पेजेस है। मे बी कंटेंट ही कम लिखा हो, कंटेंट ही कम लिखा हो, पर कम लिखा पर अच्छा लिखा, ये भी तो एक चीज़ होती है ना। तो इस वेबसाइट को एक बार विजिट भी करके देख लेते हैं कि दिखने में कैसी है वेबसाइट। जैसे आप देख सकते हो बेसिक वेबसाइट है और इसने पुश नोटिफिकेशन लगा रखा है। हाँ, पुश नोटिफिकेशन लगा रखा है, बहुत सिंपल सिंपल कीवर्ड कवर करे हुए, कोई हाई फाई चीजें नहीं यूज करी है, साफ सुंदर इमेजेस, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, वही तो मैंने कहा ना कंटेंट मैटर करता है। जैसे जो मेरे को लग रहा है क्योंकि ये वेबसाइट ओरिजिनल इमेज यूज कर रही है, इस वजह से ओरिजिनल, या फिर मुझे लगता है यूट्यूब से इसने स्क्रीनशॉट लेके भी डाल, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगा। हाँ, क्रिएटिविटी वाली बात है कि कौन कैसा है, तो मेरी ओरिजिनल भी हो भाई, पूरा मत मान साइट हो। तो ये वाली है कि आप देख सकते हो कि इसने काफ़ी नीट एंड क्लीन काम किया है, एंड हम इसका साइट मैप से भी जज कर सकते हैं इस पर कितने पेजेस है। तो जैसा देख सकते हो कि आप पोस्ट में सिर्फ 34 पेजेस है, 34 आर्टिकल्स इस वेबसाइट ने लिखे हैं, एंड वेब स्टोरीज का भी इस पर आ रहा है। वेब स्टोरीज भी देख लेते हैं, क्या वेब स्टोरी बना रहे हैं, वेब स्टोरीज भी नहीं बना रही है, तीन बनाए हैं। तो नीट एंड क्लीन वेबसाइट है। ऐसे ही आपको क्या करना है, आपको एक कीवर्ड मिला है, बस आपको और कीवर्ड्स को देखते जाना है, देखते जाना है, रिवर्स इंजीनियरिंग करके पूरा दिखा रहे हैं। हाँ, कैसे घुसना है। एग्जैक्टली, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 5000 कीवर्ड है। मैं कहता हूँ दावे के साथ मैं ये चीज़ कह सकता हूँ, गारंटी ले लो, ये अगर नहीं हुआ मेरे को आके दिखाना वेबसाइट, मैं फ्री में एसईओ करके दूंगा। ये 5000 कीवर्ड है, मैं चैलेंज दे रहा हूँ ऑडियंस को, ठीक है, 5000 कीवर्ड है, कोई एक बंदा या दो बंदे जितने भी लोग इन 5000 कीवर्ड में 100 कीवर्ड पकड़े, जैसे रिसर्च मैंने करके बताया, 100 कीवर्ड पकड़े, एक डोमेन लें, फ्रेश लें, एक्सपायर्ड लें, उनकी मर्जी है, ठीक है, जस्ट इनकेस अगर किसी को एक्सपायर्ड डोमेन लेने में हेल्प चाहिए, मेरे को कांटेक्ट कर सकता है, मैं उनको हेल्प कर दूंगा। कैसे कांटेक्ट, कैसे करें कांटेक्ट, यूट्यूब चैनल है, ईमेल आईडी है, कहीं पे भी, इंस्टाग्राम है, कहीं पे भी आगे कर सकते हैं अच्छे से। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कंटेंट कैसे लिखना है। और अगर उसको 6 महीने में ट्रैफिक ना आया, मेरा नाम बदल दे, बशर्ते वो मेहनत करके फोकस के साथ वेबसाइट बनाए। और अभी जैसे हमने कंटेंट देखा कि बंदे ने कंटेंट कैसे लिखा है, तो उनके सामने भी दिख रहा था भाई कितना नीट एंड क्लीन कंटेंट लिखा है, वैल्यू के साथ कम लिखा है बट अच्छे से लिखा है, अच्छे से लिखा है, करेक्ट। तो ऐसे ही रिवर्स इंजीनियरिंग होती है, तब पता चलता है अच्छा हमें भी इससे बेहतर आर्टिकल बनाना है, तब जाके हम रैंक करेंगे। करेक्ट, अब आप तभी मैंने बोला ना कि तो बैकलिंक भी नहीं बना, बैकलिंक भी नहीं बना है। मैं कहता हूँ कि आप 100 आर्टिकल लिखो, आपको 10,000 का ट्रैफिक ना है, मेरा नाम बदल देना। अच्छा, बैकलिंक से आना, जो आपने साइट का आपने केस स्टडी दिखाया, आपने साइट का जो एक महीने में आपने क्लाइंट ट्रैफिक लाया, उस पे बैकलिंक बनाया आपने? कोई बैकलिंक नहीं बनाया, पुरानी वाली बैकलिंक की है, नई बैकलिंक्स हम बनाते हैं, ये चीज मैं क्लियर कर दूं, हम आगे बनाया आपने, अभी एक भी नहीं बनाया। इसकी भी अगर ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो मैं वो भी दे सकता हूँ, अगर देनी है तो। नहीं, इतना बता दिया, इनफ है। हाँ, तो अभी तो जैसे भाई आपने बता दिया कि कैसे कीवर्ड रिसर्च करेंगे और कैसे हम एक कम कॉम्पिटिशन वाला कीवर्ड या फिर कोई नया ब्लॉग जिस पे रैंक कर रहा है उस पे काम कर सकते हैं, वो हमने ढूंढ लिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको एक कीवर्ड आपने ढूंढा है, अब ऐसे आपको 100 कीवर्ड ढूंढने हैं इसी लिस्ट में, 5000 कीवर्ड है, इसी से रिलेटेड, इसी से रिलेटेड। आपको ये चीज में क्लियर कर दो, लोग ये गलती हमेशा करते हैं, 5 नीश को मिक्स कर देंगे, एक निश पे जाए पर। एक टॉपिक लिया है, अगर रेसिपी उठाया है, रेसिपी के अलावा कुछ और कवर, इधर उधर नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना, रेसिपी मतलब रेसिपी। और इसमें अगर और एक्सपर्ट बनना है और प्रिसाइज बनाओ, रेसिपी मतलब सिर्फ पनीर, इटालियन रेसिपी, अच्छा सिर्फ पनीर रेसिपी, सिर्फ क्विजीन बेस, कंट्री बेस, मतलब आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं। आप सोच रहे हो, मतलब अगर मैं आपको और क्रिएटिविटी दूँ, अब आप US में चले जाओ, आप सिर्फ US की रेसिपीज बता रहे हो, आप सिर्फ इटालियन डिश बता रहे हो, आप पास्ता की रेसिपी बताओ, क्योंकि पास्ता भी काफी सारे होते हैं, स्पेगेटी होती है, पेनी होता है, मैक्रोनी होता है, मैक एंड चीज होता है, मैक्रोनी पता है, ठीक है, तो आप कितना कुछ बना सकते हो। तो इससे क्या होता है ना कि गूगल को अथॉरिटी लगती है आपकी, कि आपको एक टॉपिक के बारे में सब पता है, सारे कंटेंट आपको आते हैं, वो आपको कंटेंट से प्रेफरेंस देता है। आगे बढ़ते हुए कि कंटेंट कैसे लिखना है,
बहुत ज्यादा लोग यहीं पे फंस जाते हैं, सीधा जाते हैं चैट जीपीटी पे, बोलते हैं एक रेसिपी लिख दो, फिर उसको उठा के नहीं डाल देते। गलत है, आप चैट जीपीटी का यूज बिल्कुल कर सकते हो, पर किसके लिए करना है? आइडिया और स्क्रिप्ट के लिए, कि क्या मेरा फ्लो आउटलाइन, आउटलाइन के लिए क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। इसी ब्लॉग का एग्जांपल आप बता दो, आप कैसे करते हैं exactly. बता दो अपना, वो मैं बता देता हूँ। हम क्या करते हैं, जैसे लेट सपोज कोई भी कीवर्ड है जिसको इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, हम पहले एक प्रॉपर रिसर्च करते हैं, टॉप 5 वेबसाइट्स उस कीवर्ड पे जो आ रही हैं उसको हम देखते हैं क्या कंटेंट उन्होंने एग्जांपल के लिए जो कीवर्ड आपने पढ़ा एक बार दिखाई है। हाँ, करेक्ट। अब जैसे यही कीवर्ड है, ठीक है, अब इस बंदे ने क्या करा है, प्रॉपर कीवर्ड डाला है, राजमा की रेसिपी, हिंदी में भी डाला है, इंग्लिश में डाला है। आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था ना, सर्च हमने इंग्लिश में करा है, जो टॉप 5 वेबसाइट बता रहे थे। हाँ, वैसे करके बता। अच्छा, तो सबसे पहले जैसे आपको क्या करना है कंटेंट रिसर्च करने के लिए, अब जैसे यहाँ पे हमने पास्ता रेसिपी सर्च करा था, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जो छोटी 5 वेबसाइट्स हैं उनको एक बार हम उठा लेते हैं। ऐसे हमने 5 वेबसाइट उठा ली, अब एक बार हम इनके कंटेंट का ओवरव्यू करेंगे कि इन्होंने क्या क्या कवर करा है, कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से सब हेडिंग, कौन कौन से पॉइंट्स कवर करे हैं, कितना लेंथ क्या, कितना लेंथ है, कितनी इमेज है, कितनी वीडियोज हैं, कुछ और इसने स्पेशल करा है, इंटरनल लिंकिंग कितनी है, ये सब एक बार हम चेक कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आप एक टूल यूज़ कर सकते हो, डिटेल्ड करके इस टूल का नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका टाइटल है, ठीक है, पहली बात तो इसने टाइटल सही नहीं डाला हुआ है, 60 कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए इसका, 95 कैरेक्टर का है टाइटल हो गया। ये टूल कौन सा यूज़ किया? यहाँ पे डिटेल्ड एक्सटेंशन, मैंने बताया। अच्छा, डिटेल्ड एक्सटेंशन, ओके। ये बेसिकली एक्सटेंशन है जो आपको बताता है कि इस वेबसाइट ने कंटेंट वाइज क्या करा है, ये आपको ओवरव्यू दे देगा, ठीक है, आपको एक एक करके देखना नहीं पड़ेगा। ये इसका टाइटल है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है, ये URL है, ठीक है, आपको ये तीनों में ये मेक श्योर करना होता है कि आप कीवर्ड अपना इंक्लूड करो अच्छे से URL में, मेटा डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में, ठीक है। इसके बाद आप मेक श्योर करो कि आपका जो ये पर्टिकुलर URL है वो इंडेक्स हो, तो उसके लिए इंडेक्स का टैग लगा हो, और ये सब आप रैंक मैथ SEO के साथ सेटअप, जब आप वेबसाइट सेटअप कर रहे हो, आई गेस आपने अपनी वीडियोस में बताया भी होगा कि वेबसाइट सेटअप कैसे करते हैं, उसमें कौन कौन से एक्सटेंशन डालते हैं, प्लगइन डालते हैं, तो उसमें ऑलरेडी ये सब होता है, ये आपके लिए सब करके दे देगा। बट आपको ये तीन हर पोस्ट के लिए, हर कीवर्ड के लिए खुद करना है। देन यहाँ पे इसने कीवर्ड्स कवर करे हैं, इसकी लेंथ सिर्फ 1000 वर्ड है, ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि कॉन्टेंट काफ़ी कम है, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे देखो, इसने पूरा हमें हेडिंग ओवरव्यू दे दिया कि कौन कौन सी हेडिंग इसने कवर करी है, इसको आप लिख लो कि कौन कौन सी हेडिंग लोग कवर कर रहे हैं, और कोशिश करो आप लोगों से ज़्यादा हेडिंग कवर करो, ज़्यादा टॉपिक्स कवर करो उस कॉन्टेंट में। इसने 1000 वर्ड लिखा है, कोशिश करो आप पॉइंट पे स्टिक करके, ज़बरदस्ती ऐड नहीं करना, ये चीज़ें बता दो, गूगल इस चीज़ को लेके मीनिंगफुल होना चाहिए, बहुत पर्टिकुलर है कि इंटेंटफुल होना चाहिए, इंटेंटफुल होना चाहिए, मतलब अगर कोई पास्ता की रेसिपी देखने आ रहा है उसको वो मिल जाए। अब बकवास मत करो इसमें, ये मत बताओ पास्ता किसने बनाया था, कब आया था, हाँ ये सब मत बताओ, जो आपका टॉपिक है उस पर स्टिक रहो, उस पर जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, ज्यादा बैक स्टोरी मत बताओ, ज्यादा फ्रंट स्टोरी भी मत बताओ, जितना रिक्वायर्ड होता है। जैसे इसने 800 वर्ड लिखा है, आप आउटलाइन बनाओ, आउटलाइन कैसे बनाओगे, आप ये सारे ब्लॉग्स को स्टडी कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि इन्होंने क्या क्या आउटलाइन बनाई है। इसके साथ साथ आप गूगल में कीवर्ड रिसर्च टूल का यूज करके भी आप देख सकते हो कि क्या क्या कीवर्ड आपको कवर करने हैं। जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ, वापस हम HRF पे आ जाते हैं, एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि पास्ता रेसिपी में लोग और क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो वाइट सॉस पास्ता रेसिपी, रेड सॉस पास्ता रेसिपी इन हिंदी, वाइट सॉस पास्ता रेसिपी। कोशिश करो कि ये क्वेश्चंस को आप इंक्लूड करो, हाउ टू मेक अ पास्ता रेसिपी, हाउ टू मेक अ पास्ता एट होम ईजी रेसिपी, हाउ टू मेक पास्ता रेसिपी बाय संजीव कपूर, ये सारे कीवर्ड्स को क्वेश्चंस कीवर्ड्स को इंक्लूड कंटेंट में सब हेडिंग में इंक्लूड करो, ठीक है। जैसे पास्ता रेसिपी है, जनरल टॉपिक है, आप इसमें तीनों टाइप के पास्ता कवर कर सकते हो, रेड व्हाइट मिक्स कैसे बनाना है तीनों बता दो। कॉम्पिटिटर ने 800 1000 के लिखे, आपका और खुद से 2000 हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है आपका कंटेंट बेटर हो गया, इंटेंट आप फुलफिल कर रहे हो, इमेज वगैरह अच्छे से लगाया था, इमेजेस जैसा हमने देखा कि उसने इमेजेस काफ़ी अच्छे से लगाई थी। कॉन्टेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है, कीवर्ड्स डालने हैं कॉन्टेंट में, हेडिंग अच्छे से डालनी है, बोल्ड वगैरह अच्छे से करना है, अट्रैक्टिव बनाना है, इमेज लगा दी, वीडियो लगा दी, मे बी यू नो अच्छे से रेड वेड कर रहे हो, हाईलाइट कर रहे हो, अंडरलाइन कर रहे हो, क्लियर बना रहे हो, बुलेट पॉइंट्स, छोटे पैराग्राफ, रैंक मैथ SEO को ऑप्टिमाइज कर रहे हो, तो ये सब करके आप अपना पूरा पोस्ट अच्छे से लिख सकते हो। और अब एक लास्ट प्रो टिप मैं देता हूँ, कंटेंट आपने लिख लिया, पब्लिश भी कर लिया, लोग गलती क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज करना भूल जाते हैं, एक बार पब्लिश करके भूल जाते हैं। ऑप्टिमाइज बोले तो
और अच्छा, क्योंकि री राइट कर सकते हो, कुछ ऐड कर सकते हो, कुछ यू नो कुछ भी कर सकते हो उसमें। क्या क्या कर सकते हो वो बताता हूँ। आप जैसे कोई नए टॉपिक्स ऐड कर सकते हो, कुछ हटा सकते हो, कुछ बढ़ा सकते हो, कुछ वीडियोस ऐड कर सकते हो, कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है वो डाल सकते हो, सोर्स डाल सकते हो किसी चीज़ का। एंड ये सब करने के लिए भी बहुत सारे टूल्स आते हैं जो आपको बताते हैं, जैसे NLP ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, जैसे सर्फर SEO एक टूल होता है, वो बता देगा कि गूगल को क्या चाहिए, मतलब कितनी बार आप कीवर्ड रिपीट करो, कितनी हेडिंग डालो, कितने वर्ड लिखो, कौन कौन सी हेडिंग इंक्लूड करो। सर्फर SEO हो गया, न्यूरॉन राइटर हो गया। सर्फर SEO एक्सटेंशन है? एक्सटेंशन नहीं है, प्रॉपर वेबसाइट है जो आपके एक एक URL को ऑडिट करती है। तो पेड है कि फ्री है? पेड है ये, मतलब हम अपने बड़ी वेबसाइट्स के लिए यूज करते हैं, बंदे फ्री में यूज करने के लिए न्यूरॉन राइटर इसका चीप ऑल्टरनेटिव है, phrase.io चीप ऑल्टरनेटिव है। ये सब वेबसाइट्स AI का यूज करके आपकी ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करती हैं, आपको एग्जैक्टली गाइड करते हैं। आपने एक बार तो लिख दिया, अब वेबसाइट को कंटेंट को अपडेट करो, तो लोग अपडेट करना भूल जाते हैं। अपडेट करने के लिए क्या डायरेक्शन आपको चाहिए? रैंकिंग भी बेटर होती है, रैंकिंग बिल्कुल मेंटेन रहती है, मेंटेन रहती है, फ्रेश रहता है कंटेंट, गूगल को पसंद आता है, गूगल उसको और पुश करता है। और इसके अलावा सर्च कंसोल का भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, सर्च कंसोल का यूज कर सकते हो, उन कीवर्ड्स को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, जो कीवर्ड्स आपने टारगेट नहीं किया फिर भी उस पर क्लिक आ रहे हैं, इंप्रेशन आ रहे हैं, उसको ऑप्टिमाइज कर दो अपने कंटेंट में डाल के, उस पर थोड़ा कंटेंट लिख दो, ज़रूरत है उस पर अलग से कंटेंट लिख दो, और ज़्यादा अच्छा रैंक करोगे आप। तो ये सब करके ये कंटेंट राइटिंग और ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस है। बाकी बैकलिंक्स का हमने बताया कि बैकलिंक्स में हम कुछ बहुत मेजर नहीं करते हैं, हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपने ऑलरेडी उस पर बैकलिंक्स हैं, एंड स्टिल हम ये नहीं कर रहे, हम बिल्कुल नहीं करते, हम करते हैं पर बड़े कीवर्ड्स के लिए करते हैं, हैवी गेस्ट पोस्ट बाय करते हैं, हैवी लिंक एडिट्स बाय करते हैं, अगेन वहाँ पे भी काफ़ी हैवी इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि हम बिजनेस की तरह ले रहे हैं, राइट? तो हम इसको प्रॉपर बिजनेस की तरह लेते हुए अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं, एंड फिर कहीं ना कहीं ये हमें ओवरऑल हेल्प करते हैं अपने ब्लॉग को ऐसे जल्दी रैंक करवाने में। ग्रेट। और जो आपका ब्लॉग है आपने उसको मोनेटाइज सिर्फ एडसेंस से किया है? सिर्फ गूगल एडसेंस से करा है। एंड हाँ, तो जैसे मोटा मोटी अगर समझे किसी ब्लॉग को चलाने के लिए, जो मेन आपने जो बताया कि आपके लिए जो क्रूशियल है, सबसे इम्पोर्टेंट है, वो डोमेन नेम है। डोमेन है कि अगर हम एक्सपायर डोमेन, अच्छा डोमेन पा जाते हैं तो हमारा गेम वहीं से चेंज हो जाता है, वहीं से चेंज हो जाता है। और उसमें भी कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, बिल्कुल जरूरी नहीं कि आपने डोमेन पैसे दे खरीदे ज्यादा, हाँ तो वो अच्छा होगा, हाँ नहीं बिल्कुल चेक करना है प्रॉपर, बिल्कुल। एंड मैं यहाँ पे अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे पैसे ठुके हैं, मैंने डोमेन खरीदा और वो नहीं वर्क करा, वर्क ही नहीं करा, अगेन पार्ट ऑफ बिजनेस थे, मिस्टेक्स कुछ नहीं थे, नहीं वर्क करना था, नहीं करा। एंड जैसे मैंने कहा पार्ट ऑफ बिजनेस है, होती हैं बैड इन्वेस्टमेंट्स, आप करते हो, आप हर समय 100% सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि मैं सच बताऊं आज मैं यहाँ आके अगर ज्ञान दे रहा हूँ, 2-3-4-5-6-10 सक्सेसफुल वेबसाइट्स दिखा के, तो मेरी 30-40 वेबसाइट्स फेल भी हुई हैं। बिल्कुल, वही से एक्सपीरियंस आया है जिससे मेरा प्रोसेस रिफाइन हुआ है, ये नहीं करना है, ये करना है। तो आपको डरना नहीं है, वेबसाइट फेल होगी ज़रूरी है, आप सीख रहे हो, सीखते रहो, सीखना बंद कर दोगे आप लर्न नहीं कर पाओगे। ग्रेट। ओके, तो आई थिंक सारी चीज़ें हो गई। अगर हम इसको समराइज करें तो सबसे पहले हमें डोमेन नेम फाइंड करना है एक अच्छा सा। अगर डोमेन नेम मिल जाता है उसके बाद हमें आपको अपना ब्लॉग सेटअप करना है, ब्लॉग सेटअप कैसे करना है हमने पूरा दिखाया हुआ है। उसके बाद आना है हमें कीवर्ड रिसर्च पे, कीवर्ड रिसर्च के लिए इन्होंने यूज़ किया था HREF का, HREF टूल इन्होंने यूज़ किया था, वो पेड है, थोड़ा सा महंगा आता है, बट अगर आप जैसे इन्होंने शुरू में ही बताया कि अगर आप एज अ बिजनेस इसको ट्रीट करते हो तो आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, थोड़ा सीरियस लेना ही पड़ेगा। अच्छे टूल्स पे आप इन्वेस्ट करोगे आपकी लाइफ ही इजी बनती है, रिसर्च अच्छे से करोगे। देखो लोग क्या करते हैं, गलत कीवर्ड चूज कर लेते, गलत नीच चूज कर लेते, क्यों? क्योंकि वो सही टूल्स यूज नहीं करते जो उनको सही डेटा दिखाए। आपने गलत कीवर्ड्स चूज करे आपकी गेम वहीं से खराब हो जाएगी। तो टूल्स में इन्वेस्ट करोगे वो आपके बिजनेस के असेट है, जैसे पुराने जमाने में लोग दुकान चलाते थे, तो ये भी आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं, ये आपके एसेट्स हैं जिसमें आपको पैसा डालना ही चाहिए, इसमें आपको कॉस्ट कटिंग नहीं करनी है किसी भी तरीके से। सही बात। और उसके बाद कीवर्ड रिसर्च के बाद कंटेंट लिखना है, कंटेंट कैसे लिखना है कि जो भी गूगल में टॉप 5 वेबसाइट्स जो आ रही है हमें देखना है कि इन्होंने कैसे कंटेंट लिखा है, और जो हम कंटेंट बना रहे हैं उसको और कैसे बेटर कर सकते हैं, चाहे जिस भी तरीके से हो, चाहे लाइक उसके जो टॉपिक्स हैं, जो पॉइंटर्स हैं, या फिर इमेजेस हैं, हम कैसे बेटर कर सकते हैं वो हमें देखना है, एनालाइज करना है। अच्छा ये बताओ, आपने जो बैकलिंक वाली बात बोली, तो आप कब बनाओगे एक्सपायर्ड वाले? बैकलिंक्स हम बनाते हैं जब हमें, सबसे पहली बात तो जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जब वो कवर हो जाती हैं, उसके बाद मतलब क्योंकि हम ऑलरेडी आधा तो कवर हो गया, हाँ करेक्ट, आधा कवर हो गया हमारा,
बट यहाँ पे हमारी अभी टीम की बात, टीम की कॉस्ट भी अच्छी खासी कॉस्ट अभी, ठीक है। तो बैकलिंक्स हम इस वेबसाइट पे कम से कम 2 महीने बाद स्टार्ट करेंगे, जब हमारा पूरा ब्रेक इवन हो जाएगा, उसके बाद जो भी हमारा आ रहा होगा हम फिर इन्वेस्ट ही करते हैं, ठीक है। और बैकलिंक अगर बनाते हैं लाइक फ्रेश डोमेन है तो 2-3 महीने के बाद बनाना शुरू कर सकते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन की बात आती है, ऑप्टिमाइजेशन के भी तरीके मैंने बताए कैसे करना है। इवन आप अपना सर्च कंसोल अगर आप स्टडी करते हो अच्छे से तो उसके थ्रू ही आप अपने लाइक ब्लॉग पोस्ट को अपडेट करके आप लाइक रिजल्ट और इम्प्रूव कर सकते हो। करेक्ट। आई थिंक आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार था भाई, थैंक यू सो मच। बिल्कुल वेलकम भाई, खतरनाक वीडियो आपने लाइक कितना पावर पैक वैल्यू दिया हमारी ऑडियंस को। yes. अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कुशल भाई से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इनका मैं इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा नीचे, इनके यूट्यूब चैनल पर इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्टेंट बनाए हैं, थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल का है, जैसे मैं बिगिनर लेवल को ही टारगेट करता हूँ, और भाई ने जो कंटेंट बनाया है काफ़ी अच्छे हैं। लाइक जो लोग प्रो ब्लॉगर्स हैं, जो इंटरमीडिएट ब्लॉगर्स हैं, वो इनके कंटेंट को देख रहे हैं, अभी इन्होंने जस्ट शुरू ही किया है। तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से वीडियोस इन्होंने डाले हैं। और इनसे कोई भी कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। जो मेरे लाइक नहीं होगा तो मैं इनसे पूछ के बता दूंगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं। अपना हमारा एक हेल्पलाइन ईमेल भी है, help.satishkevideos@gmail.com, जहां पे आप अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हो, हम कोशिश करते हैं कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करें। तो आई थिंक आज का वीडियो लाइक वैल्यूएबल तो था, अगर आप मेरी ऑडियंस को जाते जाते कुछ बोलना चाहो। यही बोलना चाहूंगा, सबसे पहले जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, सीरियस हो, तुक्का मत मानो, तुक्का मत मानो, बिजनेस की तरह लो, अच्छे से नीश रिसर्च करो, कीवर्ड रिसर्च अच्छे से करो, और अच्छे डोमेन्स में इन्वेस्ट करोगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच कुशल भाई। बिल्कुल भाई, वेलकम है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक करें और शेयर करिए दूसरे दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी यह ज्ञान मिल सके। और हम वीडियोज़ इसीलिए लाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सब चीज़ों को सीख सकें, अपने आप को स्किलफुल बना सकें और थोड़े बहुत पैसे बना सकें। जैसे हमें भी खुशी होती है जब लोग आके बोलते हैं भाई तुम्हारे वीडियोस को देख के हमने भी कमाना शुरू कर दिया, तो ये मुझे बहुत अच्छी फीलिंग देती है। तो शेयर करने में कंजूसी ना करें, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, फ्री है भाई, बिल्कुल सब्सक्राइब करो, और भाई के चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब करना, थोड़ा ज़रूरत है भाई को, सब्सक्राइब कर दो भाई, यार क्या कर रहे हो। तो चलो ठीक है, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो।